बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किसी कुकिंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कच्चे आमों का शरबत। बहुत ही मज़े का बनता है और गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही टेस्टी। आज इसके लिए हमने 5 अंबियाँ ली हैं। ये देखिए, आजकल बाज़ार में बासानी मिल रही है और इनका मौसम है। और इसमें नारदाना इस्तेमाल होगा जो कि हमने भिगो कर रखा हुआ है और फिर बासानी ये ग्राइंड हो जाता है। और इसमें हम इस्तेमाल करेंगे काला नमक, हाजमे वाला होता है इसलिए, और चीनी। सबसे पहले हम आम हैं इनको छील लेते हैं। इस तरह से थोड़ा सा नीचे से उतारें, कच्चा ना रह जाए, वाइट वाइट पार्ट नज़र आए। बिल्कुल बारीक नहीं उतारा, वो फिर ग्रीन ग्रीन जो है ना। आम हमारे सारे छिल चुके हैं, अब इसको हम काट लेते हैं इस तरह से, जैसे मर्जी आप काटें। जितनी ये कच्ची होंगी उतनी ही मज़े की बनेंगी। आम हमारे सारे कट चुके हैं, ये देखिए। और अब हमने कढ़ाई को हमने चूल्हे पर चढ़ा दिया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी लेंगे, आधे कप ग्लास के बराबर, और इसको हम उबलने देंगे। पानी हमारा हल्का हल्का देखिए पकना शुरू हो गया। अब हम इसको अंबियों को इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम पकने देंगे। ये देखिए पकना शुरू हो गई है, हल्के हल्के हमारी गलना भी शुरू हो गई है। ये देखें बहुत ही अच्छी हमारी अंबियाँ जो हैं वो गल चुकी हैं। और अब हम इनका जो चूल्हा है वो बंद कर देते हैं, ये देखें, और इसको हल्का सा ठंडा होने देते हैं। अब इसको सबसे पहले हम इसमें अनारदाना डालेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से धो लिया था। अनारदाना भी ठंडा होता है और अंबी भी ठंडी होती है, कच्चा आम। और अब इसमें हम आधे चम्मच के करीब काला नमक डालेंगे। आप दूसरा नमक भी डाल सकते हैं, ज़रा ऐसी चीज़ों में थोड़ा सा काला नमक अच्छा लगता है। अब हम इसमें तकरीबन 4 चम्मच चीनी डालेंगे। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अब ये जो आम है कच्चे, इसको पकाया है, उसको इसमें डाल देते हैं। अब थोड़ी सी इसमें हम आइस क्यूब्स डाल देते हैं और इसको हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। देखें कुछ इस तरह से बन जाएगा। और अब हम इसको इस तरह से छान लेंगे ताकि जो नारदाना है उसकी वो जो दाने हैं वो ना इसके अंदर आए।
और इसकी चम्मच की मदद से हिलाते जाएंगे। ये आप बना के फ्रिज में रख लें, जब आपका दिल चाहे आप निकाल के ठंडा ठंडा पी। प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे लिए तमाम लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त मिलता रहे। अब इसमें हम पानी डालते हैं। अब इसमें हम बटर डाल देंगे और उसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। जितना ठंडा हो उतना अच्छा लगता है, बहुत ही मज़े का और यमी और टेस्टी जो है ना आम का शरबत बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े का बना है और प्लीज़ आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमारी वीडियो पूरी देखा करें प्लीज़, और इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। जिन बहन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़, और आप बहुत बहुत मेहरबानी और शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं और देखते हैं।